अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लुत्फ उठाइए। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा आप द्वारा की जा रही कुछ ऐसी गलतियां अपने एंड्रॉइड फोन्स में जिसकी वजह से आपका जो फोन है उसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है, फोन जल्दी खराब होता है, प्लस आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और आप कुछ ऐसे टिप्स पा सकेंगे जिसकी वजह से आप अपने एंड्रॉइड फोन की जो यूसेज है उसको काफी ज्यादा सहूलियत भरा कर सकेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है वो कुछ ऐसे गलतियां जो अभी तक आप करते आ रहे हैं अपने स्मार्टफोन में और उसकी वजह से आपका स्मार्टफोन खराब होने की राह पे बढ़ रहा है। तो दोस्तों जो पहली गलती है वो है फालतू के एप्स इंस्टॉल करना। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बात थोड़ी ज्यादा इसको आप केयर दीजिएगा कि आप ऐसी एप्स न इंस्टॉल करें जो कि गूगल प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर वहां से एप्लीकेशन न इंस्टॉल करिएगा। आप देखते होंगे जब आप किसी किसी वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो वहां पर ऐसे पॉपअप्स आते हैं कि आपके फोन में इतना डैमेज है, फोन इज एट रिस्क, डाउनलोड दिस ऐप टू क्लीन योर फोन। तो ऐसे एप्स आप कभी नहीं इंस्टॉल कीजिए, वही ऐप इंस्टॉल कीजिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल, क्योंकि ऐसे ऐप्स में चांसेस हैं कि आपको मालवेयर मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको फर्जी ऐप्स नहीं रखने हैं। फर्जी ऐप्स क्या होते हैं? तो फर्जी ऐप्स होते हैं एंटीवायरस। जी हां दोस्तों, आपके फोन में हो सकता है कोई एंटीवायरस हो सकता है कोई डीयू क्लीनर हो, कोई सी क्लीनर हो। मैं किसी ऐप पर्टिकुलरली ऐप के बारे में नहीं कर रहा हूं, मैं सारे एंटीवायरस सारे क्लीनर के बारे में कर रहा हूं। क्लीनर कुछ नहीं करता है, बढ़िया सा झाड़ू चला देते हैं, कुछ रॉकेट उड़ा देते हैं और एनिमेशन अच्छा चला देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते, आपका रैम खराब करते हैं, आपकी बैटरी खराब करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता है। वो कोई मालवेयर नहीं हटा पाते हैं क्योंकि एंड्रॉइड में ऐसी अभी तक सेटिंग नहीं आई है कि कोई मालवेयर को हटाया जा सके और वो भी किसी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो गलती थी कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक बार आप ऐसा करिए, आप सेटिंग में जाइए, वहां पर एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर देखिए जो जो एप्लीकेशन आपके काम में है उन्हीं को रखिए और बाकी जो एप्लीकेशन आपके काम में नहीं है उनको फटाफट आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्या फायदा है आपके मेमोरी में वैसे ऐप्स रखने की जिनकी आपको जरूरत ही नहीं। तो उन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, केवल वही ऐप रखिए जिसकी आपको आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए दूसरी गलती की बात करें। तो आप जो दूसरी गलती अभी तक करते आ रहे थे वो है टास्क क्लीनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने फोन में रैम में जितने ऐप्स हैं उसको अक्सर स्वाइप करते रहे होंगे, हर 10 सेकंड, हर 20 सेकंड, एक मिनट के अंदर सारे ऐप्स को क्लियर करते होंगे, एक बार में ही सब क्लियर करते होंगे और सोचते होंगे मैंने अपने फोन को वरदान दे दिया, खाली कर दिया। तो दोस्तों वो गलती थी, अभी तक आपको ऐसे नहीं करना था। ऐसा करके आप अपने फोन के प्रोसेसर के ऊपर काफी लोड डाल रहे हैं क्योंकि ऐसे कई एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपको बार बार जरूरत पड़ती है और वो एप्लीकेशन आपके रैम में सेव हो जाते हैं और जब आप वहां से उसको क्लियर कर देते हैं फिर प्रोसेसर को वापस से शुरुआत से वो ऐप खोलनी पड़ती है, सारे प्लगइन कैच करने पड़ते हैं, तो उसमें प्रोसेसर को काफी ज्यादा काम करना पड़ जाता है और उससे फोन की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो रैम आप फटाफट ना क्लियर करते रहा करिए, हर 2-3 घंटे भी क्लियर करते रहा करिए, जब जब जरूरत हो तब। ऐसे जरूरत नहीं है कि बस आपने मन को संतुष्टि देने के लिए क्लियर करने लगे, तो वो गलत चीज है, आप ऐसे टास्क क्लीनिंग ना करिए। अब दोस्तों बात करें अगली गलती की जो आप अभी तक करते आ रहे हैं वो है फोन को चार्ज करते समय उसको खेलना। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बहुत अपराध नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि अगर आप फोन को चार्ज में लगाकर खेल रहे हैं तो आपका फोन ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लास्ट तो कभी नहीं होगा, पर ऐसी बात है कि अगर आप चार्जिंग में लगा के अपना फोन खेल रहे हैं तो उसमें आपके प्रोसेसर के ऊपर वाकई में काफी ज्यादा लोड पड़ जाता है क्योंकि आपके प्रोसेसर के पास एक सर्किट लगा होता है जो कि ये देखता है कि आपके फोन में चार्जिंग कितना हुआ है, कि कितने परसेंट अभी आपका फोन चार्ज है। जब 100% बार चार्ज हो जाता है वो जो सर्किट है वो ऑटो कट हो जाता है और फिर उसके बाद चार्जिंग नहीं होती। तो सर्किट काफी ज्यादा काम करता है और प्रोसेसर, अगर आप उसी साथ प्रोसेसर को भी काफी काम दे देते हैं, बैठ के गेम खेलते हैं, 4G डाटा इस्तेमाल करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें प्रोसेसर के ऊपर वाकई में काफी लोड आता है। आप चार्जिंग के समय अपने फोन को न खींचे तो ही बेहतर है। आप देखे होंगे अगर चार्जिंग के समय खेलते होंगे तो आपका फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है, कभी कभी इतना हीट हो जाता है कि आप वो हाथ में नहीं पकड़ सकते। तो अपने फोन को फालतू में हीट करने का कोई आवश्यकता नहीं, आप चार्ज होने दीजिए अपना फोन। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन जल्दी चार्ज हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एयर मोड ऑन कर सकते हैं या फिर आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो आपका फोन करीब करीब 40% लेस टाइम में ही चार्ज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करिए, ना कि उसको कुछ खेलिए चार्जिंग में लगा के। तो दोस्तों ये सारी कुछ गलतियां थी जो आप शायद अभी तक करते आ रहे थे अपने स्मार्टफोन के साथ। अभी मैंने 3 ही गलतियां बताई आपको। अगर आप और सारी गलतियां जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एंड्रॉइड के बारे में टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है बताना हो तो कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।